which is parallel to the principal axis of a convex mirror. Of a convex mirror from a appears to be coming from its focus. Appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. After reflection from the mirror. अब देखिएगा, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो कॉनकेव वाला पोर्शन होता है, मतलब जो गहरे वाला पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है और दूसरे वाले पोर्शन पे से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ ना तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अभी बनाना मत इसको, बस देख लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद सर नमस्ते, नमस्ते सेक्शन, नमस्ते। तो जैसे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पता करना है कॉन्वेक्स मिरर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है। अगर मान लीजिए जो ये मिरर है, ये मिरर जिस बड़े स्फीयर का हिस्सा है, जिस बड़े स्फीयर में से काटकर इस मिरर को निकाला गया है, उसका जो सेंटर होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर ये हमारे पास मिरर है, मैं इसको कंप्लीट करूँ ऐसे, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों का मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें हाँ जी, मैंने ये चीज आपको बताई किस वजह से है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इससे हमने क्या समझा। अब ऑब्जेक्ट तो मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, तो जैसे हमारा कॉनकेव मिरर का फोकस इस तरफ होता था ना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे की तरफ होगा। ये समझ गए? कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो मिरर के पीछे की तरफ होगा। तो पहला रूल क्या है, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब क्या है कि जो कॉनकेव मिरर का आप देखिए, अच्छा पहले मैं इसको बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, मतलब ये उभरी हुई जो बल्जिंग आउट सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब एक रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो ये टकराने के बाद, ये टकराने के बाद उस केस में तो ऐसे हो जाती थी फोकस से गुजर जाती थी, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब बाउंस बैक होगी और इस तरीके से बाउंस बैक होगी कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं ना, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये फोकस पर जाकर मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि द रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा लगता है कि अपीयर्स टू बी कमिंग, ऐसा लगता है कि शायद ये फोकस से होकर आ रही है, समझ गए, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो बिल्कुल सेम है जैसा कॉनकेव मिरर का था। कॉनकेव मिरर में क्या था,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई रियोफाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती थी। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई रियोफाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा लगता है कि शायद वो फोकस की फोकस से होकर आ रही है। समझ गए? हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्या है, जो उभरी हुई सरफेस है, जो गहरी सरफेस है उसमें तो पॉलिश हो रखी है, और जो उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है तो वो टकरा के इस तरह से डाइवर्ज होगी, इस तरह से मुड़ेगी कि अगर उसको पीछे एक्सटेंड करें तो ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। समझ गए? ओके सर। हां बस ये चीज बताइए। अच्छा, इसके बाद रूल नंबर टू लिखिएगा। A ray of light going towards the center of curvature सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा बेटा, ये तुम्हारे उधर कुछ इशू हो रहा होगा नेटवर्क का। देखो यहाँ तो सब क्लियर है, थोड़ी देर वेट करके देख लीजिए। बाकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखिए, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ओके सर, आई विल चेक। हाँ एक बार देख लेना, वैसे थोड़ी देर में हो जाएगा ये ठीक, अगर कुछ ब्लरनेस आ रही है तो। देखिए इसमें है, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror appears to be coming of a convex mirror is reflected back along the same path is reflected back along the reflected back along the same path reflected back along the same path ठीक है। यहां देखिए, यहां पर क्या रूल है कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यहां इसका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है, यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसी बनाई जैसे कि वो रे ऑफ लाइट गोइंग, वो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। ठीक है, हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसी बनाई कि ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन यहां तो मिरर आ गया तो उसके आर पार तो निकल नहीं सकती, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। मतलब यहां से इसकी आप डायरेक्शन को डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करो कि ऐसा है कि जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। ठीक, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो नहीं जा सकती क्योंकि बीच में मिरर आ गया। ठीक, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो नहीं जा सकती, ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है तो ये उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। समझ गए? तो अंतर दोनों में क्या है कि वहां तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में ही था, तो एक्चुअल में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती थी रे ऑफ लाइट,
यहाँ पर क्या है, हमने कहा अरे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती है लेकिन वह पहुंच नहीं पाएगी, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट गए, समझ गए? ठीक है बेटा। अब इसके बाद रूल नंबर, हाँ रूल नंबर थ्री लिखिएगा, रूल थ्री है अ रे ऑफ लाइट going towards the focus of a convex mirror. A ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the becomes parallel to the principal axis after reflection. ये क्या है, ये हमारा जो रूल वन था, ये रूल वन का ही उल्टा है। रूल वन में क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें टकरा के ये इस तरह से डाइवर्ट होती है कि ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है। अब अगर मैंने कहा कि रूल नंबर थ्री में क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो फोकस तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ऐसे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ जाएगी, फोकस तक तो नहीं पहुंच पाएगी लेकिन टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए बेटा? बताइए यहां तक तीनों रूल सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद रूल नंबर फोर, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा कॉनकेव मिरर में था। मैं इधर कर रहा हूँ इसको, यहाँ ये वाला मिटा रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। नोट कर लिया कुछ बच्चों ने? यस एक्सप्लेन कराया, नोट कर लिया सभी ने? कर लिया सर। ठीक है, सक्षम रुद्रांश? यस सर। पार्थ मेहता बेटा नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है जी, आपको पता है सर आजकल होमवर्क कर करके मेरे हाथ इतने फास्ट चल गए हैं कि मैं बहुत जल्दी काम कर लेता हूँ। Which is incident at the pole of a convex mirror, which is incident at the pole of a convex mirror, and the pole of a convex mirror is reflected back. Is reflected back making the same angle with the principal axis, making the same angle with the principal axis. Making the same angle with the principal axis.
ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने रूट फोर कॉनकेव कर्व के केस में देखा था, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये बेटा इसका पोल हो गया। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर आकर टकराती है तो जिस एंगल पर पोल पर आकर टकराती है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होगा, समझ गए? तो जिस तरीके के वो चार रूट्स थे कॉन्केव मिरर के, उसी तरीके के ये चार रूट्स हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक, अच्छा जी। और इसके बाद में जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के छह रूल्स देखे थे वहां पर, यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के रूल देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। और वहां पर छह रूल्स थे, यहाँ पर सिर्फ दो रूल हो गए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कंपेरेटिवली आसान पड़ता है, इसमें क्वेश्चन भी हमारा एक या दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है बस, पर जनरली आता भी नहीं है। मेजरली क्वेश्चन जो है वो कॉन्केव मिरर के आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। हाँ जी, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं इधर से। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देखिएगा कि पहले लिखे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when object is placed anywhere between pole मतलब capital P and infinity, चलो जी इसमें डायग्राम बनाइए। देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज का अगर मैं कॉनकेव मिरर का रिकॉल करूं, पहले ये बताइए इतना नोट कर लिया सभी ने? यस सर। सबने कर लिया? अर्पिता? यस सर। यस सर। हाँ जी, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो सवाल ये उठता है कि एक बार जरा कॉनकेव मिरर से भी इसको मैच करके देख लें, क्या पता हमको ज्यादा लर्न करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर ये जो रूल्स थे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, तो ये थे रूल्स, ये चार तो लगभग लगभग सेम ही है कॉनकेव के जैसे, तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा है कि मैंने कॉनकेव में क्या देखा था, देखो कॉनकेव ऐसे था मिरर,
ये कॉन्केव मिरर था, नोट मत करना इसको, बस ये डायग्राम बना लो, ये वाला आपको एक बार रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। ये कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर में मेरे पास ये था बेटा पोल, ये था फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने छह रूल्स इस तरह से देखे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, then object is placed at center of curvature, then object is placed beyond center of curvature and finally object is placed at infinity. तो एक दो तीन चार पांच छह टोटल छह केसेस थे, है ना? ऐसा ही था ना, याद करिए। so, अब बात करते हैं yes. convex mirror की, जो मैं आप देख रहा हूँ convex mirror, तो देखिए convex mirror में focus इधर है और center of curvature इधर है, लेकिन object तो यहाँ रखा जाएगा, तो ना तो यहाँ फोकस है ना यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ तो हम क्या करेंगे, ये पोल है तो पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट एक ही तरह की इमेज बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पर तो अलग अलग पॉइंट्स थे, पोल था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ तो केवल पोल है और पोल के बाद मतलब पोल के बाद आप चलते चले जाओ तो इन्फिनिटी तक चले जाओ, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो पहला केस है, क्योंकि पहला केस वहां क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस, भाई फोकस है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं बिटवीन पोल एंड फोकस वाला केस कैसे लूं? दूसरा केस था एट फोकस, फोकस यहाँ पर है ही नहीं तो मैं वो केस भी नहीं ले सकता। तीसरा था बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी नहीं है, नहीं ले सकते। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं है, वो भी नहीं ले सकते। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी नहीं है। तो क्या है, यहाँ तो पोल के बाद सीधा इन्फिनिटी है, तो अगर ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखें तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड पर पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्शन अनपॉलिश सरफेस पर होगा, ठीक है भाई? जैसे मिरर होता है तो मिरर में एक तरफ तो मिरर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ग्लास की तरह, और अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ पॉलिश होती है, मैं दूसरी तरफ अपना चेहरा देख ही नहीं सकता, तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन होगा ही, रिफ्लेक्शन तो एक तरफ ही होगा बस, तो पीछे वाला तो पॉलिश कर रखा है, तो यहाँ तो आप कुछ भी रखो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ही, समझ गए? सर आप एक बार फिर से बता दो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर साइड क्यों है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड क्यों है? बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने कहा कि ये एक मिरर है, तो मिरर इस एक बड़े से स्फेरिकल, बड़े से ग्लास के स्फीयर का पार्ट होता है। अगर मान लो मैं इस स्फीयर को ऐसे कंप्लीट कर दूं, तो इस स्फीयर का सेंटर कहां पर होगा? यहां। इस सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। भाई स्फीयर तो यहां बन रहा है ना बेटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर थोड़ी हो सकता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, तो जब इसको स्फीयर कंप्लीट करते थे, तो यहाँ पर स्फीयर इस तरफ बनता था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। सर सर, मतलब जिस साइड स्फीयर बनता है उसी टाइम उसी तरफ वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर बनेगा, स्फीयर के अंदर ही तो होगा उसका सेंटर, तो स्फीयर यहाँ बना तो सेंटर इसके अंदर, स्फीयर इधर बना तो सेंटर इसके अंदर, बताओ क्लियर? ओके सर, ठीक है। अच्छा अब मैं वापस आ जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सॉरी रेडियस के लिए कोई सर्टेन वो लेनी पड़ती है वैल्यू, या फिर हम फ्री हैंड कर सकते हैं ऐसे पेपर पर ड्रा? ये तो फ्री हैंड कर दीजिए आप पेपर पर ड्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस वही हाँ सर, हमारी फिजिक्स की टीचर कह रही थी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी सर्टेन, तो पूरे टीचर पूरे पेपर में उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। 1.3 रेडियस कह रही थी सर। देखिए वो इस वजह से कह रही होंगी कि बच्चे जब बनाते होंगे ना, तो पता चला कि बच्चे मतलब गोल प्रॉपर बना नहीं पाते होंगे, उसका जो सर्कल है, तो उन्होंने इस वजह से कहा होगा कि आप एक प्रॉपर वैल्यू दे दो, ताकि थोड़ा साफ सा बने वहां पर डायग्राम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ओके सर, थैंक यू सर। भाई मिरर छोटा और बड़ा हो सकता है, तो उसकी कोई स्टैंडर्ड एज सच वैल्यू नहीं होती। हाँ इतना जरूर है कि जो लैब में आपके पास स्फेरिकल मिरर्स अवेलेबल होंगे उनकी फिक्स वैल्यू होगी, छोटे छोटे मिरर्स होंगे, तो शायद उन्होंने उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा कि हम 1.3 उसका रेडियस लेना चाहते हैं, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अब देखिएगा कि अब मैं ये हटा रहा हूं, क्योंकि स्फीयर में से तो काट के निकाल दिया मैंने मिरर को, तो स्फीयर को तो हटा दो। काम्या काम्या क्लियर है जो मैं बता रहा हूं? यस सर।
ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, बिल्कुल वही काम जो हमने कॉन्क्लेव में करा था, मैं क्या करूंगा, एक ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां रखने के बाद में मैं पहला काम क्या करूंगा, मैं दो रेज ऑफ लाइट बनाऊंगा। एक तो मैं वही बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बनाइए जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट। तो ये जब कॉन्वेक्स मिरर को टकराएगी तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा हो जाएगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक। और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे बनाऊंगा जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही हो, यहां से निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो रे ऑफ लाइट अप्रोच करेगी वो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस लौट आएगी। तो देखिए दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बताइए समझ गए। सभी बच्चे? Yes, sir. ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा फोकस करूं क्या इस पर? नहीं सर, कोई नहीं दिख गया, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. चलिए जी, अब इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज विल बी पॉइंट लिखेगा फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा पॉइंट नेचर, इमेज, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल कैसे? क्योंकि ये मिरर के इस तरफ बन रही है, राइट साइड में जो बनती है वो वर्चुअल होती है, और सीधी बन रही है इस वजह से बेटा डायरेक्ट। वैसे भी वर्चुअल जो भी बनेगा वो डायरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सर फिर तो सारी वर्चुअल होंगी, नहीं इमेज यार कैसी बात कर रहा हूँ, जब मैंने इसकी बात, नहीं सर मतलब कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में सारी वर्चुअल बनेगी, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स में सारी वर्चुअल बनेगी, ठीक है, ओके सर। अच्छा और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझ गया बेटा सभी। तो पहला केस तो ये हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन, अरे फिर से पूरी बात हो गई, एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा उसके बाद अगला लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये तो क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर ही रख दिया जाए तो क्या होगा, है when object is at, an object is at infinity,
ये आप यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा प्रॉपरली, ये तो नहीं कह सकता कि ऑब्जेक्ट कहीं पर डिफाइंड है कहीं पर दिखाई दे रहा है। इंफिनिटी का मतलब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा एक रे ऑफ लाइट तो ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रे ऑफ लाइट नीचे से आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो क्या होगा, यहां पर है ये फोकस, तो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, इसका भी ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, तो इमेज आपकी ऐसी बनेगी यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। ये जो डॉट बना दिया ना मैंने फोकस पर, यही इमेज है, पॉइंट साइज इमेज बोलते हैं इसको, पॉइंट के बराबर है, बहुत छोटी सी इमेज है जो दिखाई भी नहीं देगी। तो देखिएगा इमेज विल बी, इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज विल बी पहला लिखें ऑन एट फोकस, फोकस पर बनेगी। दूसरा लिखिएगा इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हमेशा बेटा जो पॉइंट साइज इमेज होती है उसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज को बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से हो गई, यहां तक हो गया है, तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया बेटा, तो मिटा दूं ये वाला, मिटा दूं इधर से। यस सर, यस सर, ठीक है। क्या समझ में आता है कि दो रूल्स हैं इसमें बस, और दोनों में ही मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारी जो इमेज बन रही है वो हमेशा, जैसा सेक्शन तुम बता रहे थे, वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल का मतलब वो इरेक्ट भी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन है नो मैटर how far you stand from a mirror, how far you stand from a mirror, no matter how far you stand from a mirror your image appears correct. Your image appears correct. Full stop. The mirror may be अब options दे रखे हैं, option A plain, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स, और ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। क्या होगा इसका आंसर बताएंगे? फोर्थ पार्ट। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए भाई? अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस होता है। उन्होंने बोला नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हैं, बहुत नजदीक है, थोड़ा सा दूर है या बहुत ज्यादा दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस एक मिरर के आगे खड़े हुए हैं, आपकी इमेज जो है वो हमेशा आपको इरेक्ट मिल रही है,
डायरेक्ट का मतलब हमेशा वर्चुअल है, डायरेक्ट बन रही है, राइट साइड में मिल रही है, तो वो किस केस में होता है? कॉन्वेक्स में तो होता ही है, अभी अभी देखा कि हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज मिलती है। अच्छा, और दूसरा प्लेन मिरर में भी तो ऐसा ही होता है, प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम हमेशा कितने भी दूर खड़े होते हैं हम हमेशा सीधे ही दिखाई देंगे, हम उल्टे नहीं होंगे किसी भी केस में। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन डी होगा। बताइए जी, सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter. Is placed at a distance. Is placed at a distance of 10 centimeters from a convex mirror. From a convex mirror. Of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. Find the nature position and size of the image. Position and size, nature position and size of the image. And the nature position and size of the image. Question note kariyega. So can I answer? Abhi ruk jao beta, bas thodi der rukte hai. An object 5 cm high is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror. ठीक है, तो एक टर्म करते हैं, convex mirror बनाइए यहाँ पर, ये हो गया पोल और फोकस होगा उस तरफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ। इन्होंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो f कितना हो जाएगा, f होता है, f का फॉर्मूला होता है r upon 2, तो f इज इक्वल टू 30 upon 2 मतलब 15 सेंटीमीटर। और याद रखिए प्लस का होगा ये, क्योंकि फोकस इस बार फोकस आपका राइट हैंड साइड पर है, तो फोकस पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, फोकस नेगेटिव नहीं होता, पहली चीज तो ये। उसके बाद उन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ये है ए, ये है बी, इसको कितनी दूर रखा गया 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया, यू माइनस 10 क्यों है बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो यू माइनस 10 क्यों है, ये समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि ए बी की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो h1 is equal to 5 cm because object हमेशा सीधा रखा जाता है, तो height of object हमेशा positive होती है। ठीक है, अब बताइए आज तक क्या बता रहे थे, answer क्या आया है, ये बता रहा हूँ मैं सर। तो ये case 1 होगा जो हमने image formations कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो image का nature होगा virtual and erect, बिल्कुल, और उसकी पोजीशन होगी पोल और फोकस के बीच में, दैट इज 0 टू 15 के बीच में। यस
जो पोजीशन इन्होंने पूछी है ना, तो पोजीशन का मतलब v की वैल्यू पूछ रहे हैं, वो मैं मिरर फॉर्मूला से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और साइज क्या होगा वो भी मैं कैलकुलेट करूंगा, ओके। वो हाइट, तो इसमें क्या है कि इसमें मुझे ये तो सोचना ही नहीं है कि इमेज का नेचर क्या होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जहां पे दिखाई दे, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इमेज विल बी डिमिनिश्ड होगी। तो हम ये बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस इट इज कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहली चीज को देखिए ये हो गई, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास f है, मेरे पास u है, हम कहेंगे बाई मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें भी सेम लगेगा क्योंकि मिरर है ना भाई, वो भी कॉनकेव मिरर था, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, तो दोनों ही मिरर, तो मिरर फॉर्मूला सेम होता है। तो ये होगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन यू कितना है माइनस टेन, वन अपॉन माइनस टेन प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ कितना है 15, तो 1 upon v ये कितना हो जाएगा, 1 upon minus 10 का मतलब minus 1 upon 10, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 upon 15 प्लस 1 upon 10, 15 और 10 का LCM 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 1 upon v is equal to 2 plus 3, 5 upon 30, 5 1 5, 5 6 30, तो v is equal to हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गई इमेज की पोजीशन। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस और कोण के बीच में। तो आप ये देख लीजिए कि फोकस कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, 15 से कम ही आनी चाहिए वैल्यू, 15 से कम आनी, खैर वो हमने मिरर फॉर्मूला से निकाल दिया। बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्लियर है सभी को, 6 सेंटीमीटर सभी को क्लियर है? यस सर। और याद रखिएगा हमारा v जो है ना कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो इमेज है ये राइट हैंड साइड पर बन रही है इसमें। उसके बाद अगला इन्होंने पूछा है कि साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, देखो m इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u, माइनस अपनी जगह v की वैल्यू कितनी है 6 और u की वैल्यू कितनी है माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया 3 अपॉन 5। मैं लिख रहा हूं यहां पर आल्सो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, m का फार्मूला h2 अपॉन h1 भी होता है, लिमिट आवर क्वेश्चन, तो m इज इक्वल टू H2 upon H1 कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि H2 upon 5, और M की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूँ 3 upon 5, 3 upon 5, 5 से 5 कट गया, H2 is equal to 3। बोलिए क्लियर है सभी को, तो इमेज इज गेटिंग डिमिनिश्ड, इमेज छोटी हो रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर और इमेज की कितनी रह गई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर छोटी होगी। बताइए समझ गए? यस सर। चलिए जी, इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो आपका फिनिश होता है। अब उसके बाद अभी कुछ दिन तक मैंने आपको बताया था, कुछ दिन तक हम एक फ्लो में ही ये लाइट वाला चैप्टर खत्म करेंगे, तो अभी 2 या 3 दिन और हमें अभी आगे बढ़ना है, आगे हम रिफ्रेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करना है, मतलब ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश है, इसको आप प्रिपेयर करिए, और मैं देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ लिया, मैं क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए उससे। ओके सर।
सर कल आपने बताया था कि हमारे ब्रेन में इमेज इन्वर्टेड आती है लेकिन हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके इरेक्ट कर देता है। नहीं, इमेज जो है इन्वर्टेड हमारे रेटिना पर बनती है और हमारा ब्रेन है वो उसको सही करके करेक्ट इंटरप्रेट करता है, उसको सीधा कर देता है। और सर वो सीधा करने के ऊपर फिजिक्स क्या होती है सर? अभी ये फिजिक्स तो पता नहीं, न्यूरॉन्स करते हैं इस काम को, न्यूरॉन्स स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये इमेज उल्टी बन रही है और हमको इसको सीधा स्टडी करना है। सर ये बायो से रिलेटेड है या फिजिक्स? बायो से रिलेटेड है। थैंक यू सर। चलिए ओके। थैंक यू सर। ओके ओके।